बचे हुए आटे से ऐसा पराठा बनाएंगे कि सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलकर बनाते हैं। कुक्स ब्लॉग सुधा में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास ये बचा हुआ आटा है, तो चाहे आप सुबह का शाम बना सकते हैं, रात का बचा है तो आप सुबह बना सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि बच्चों की फरमाइश हो जाती है दो चीज़ों की, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी एक ऑप्शन मेरे पास हमेशा रहता है कि एक के लिए अगर बनाया है तो दूसरे के लिए दूसरा कुछ कभी कभी ऐसा होता बनाना पड़ता है मुझे, तो मैं अधिकतर ये बना लेती हूँ। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पराठा पसंद है और सभी लोग इसे पसंद करते हैं मेरे घर में। तो बस हमने आटा लिया और इसे जो है चार हिस्सों में हमने बांट लिया है और गोल रोटी बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। बस अब हमें करना क्या है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, फैला देंगे इस तरह से, हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। हमने हाथ से ही लगा दिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे कस्तूरी मेथी हमने ऐड किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे धनिया का पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक जो है छिड़क दिए हैं, थोड़ा सा ही डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो नमक हमने छिड़क दिया, यहाँ पर हमने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चाट मसाला डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और हमने यहाँ पे ऑर्गेनो पाउडर डाल दिया है यहाँ पे, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर है तो आप डाल दीजिए। और बस इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से रोल कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, इस तरह से रोल कर लेना है। बस ये हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे आप चाहे तिकोना आकार भी दे सकते हैं या सिंपल गोल रोटी की तरह बेल सकते हैं, इस तरह से भी पराठा बना सकते हैं। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, तो बच्चों के आप लंच बॉक्स में या सुबह के टी टाइम आप बना सकते हैं, यानी कि सुबह के नाश्ते में। इसे आप चाहे रायते के साथ या टोमेटो खट्टी मीठी चटनी जो होती है उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, या खट्टी मीठी कोई भी अचार हो उसके साथ भी अच्छी लगती है ये। तो बस हमने एक पराठा इस तरह से बेल के तैयार कर लिया, दूसरा भी इसी तरह से बेल लेंगे। बेल लिया हमने, कसूरी मेथी डाल दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा नमक छिड़केंगे इसमें थोड़ा सा, और यहाँ पर हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स, यहाँ पर डाल देंगे हम, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे चाट मसाला डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, और ऑरेगानो पाउडर डाल दे रहे हैं इस पर। और बस इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ये टेस्टी लगता है पराठा, बहुत सिंपल है और आसान है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में इजिली आप बना के दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं अधिकतर ये बनाती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं मेरे घर में, सभी लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह से सारे हमने पराठा बेल के तैयार कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हमने नहीं बनाया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के फ्लेम को हमने ऑन करके एक तवा रख दिया है पहले से ही, तवा हमारा जो है गर्म हो चुका है। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं, और एक तरह जब चित्ती से निशान आ जाए ना, बस इसे हमें पलट देना है और घी लगा के इसे हमें उलट पलट के बहुत अच्छे से दबा के अच्छे से सेक लेना है, ताकि कलर इसमें बहुत अच्छा आए और निशान भी बहुत अच्छे आए, तभी अच्छा लगता पराठा देखने में। तो बस हमने यहाँ पे घी लगा दिया है और इसे उलट पलट के एकदम क्रिस्पी पराठा में सेक के तैयार कर लेना है। तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं किसी भी टाइम। वीडियो हमारी अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसी तरह से सारे पराठे हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया है पराठे में, तो दूसरा भी इसी तरह से हम सेक के तैयार कर लेंगे।
पराठे को आम के खट्टे मीठे अचार के साथ हमने सर्व किया है, तो आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं।